Hello students, today I am going to explain you some more examples of short division method. These are some difficult examples that you have done before. इसमें आपको बेटा 7894 को 9 से डिवाइड करना है. अब हम 9 की टेल में 78 को देखेंगे. 9 की टेल में हम 78 को देखेंगे. 78 से कम क्या आता है? 9 8 जा 72. क्या आता है बेटा? 9 8 जा 72. हम लिख देंगे 9 8 जा 72. अब 78 में से हम 72 को माइनस करेंगे. 9 8 जा 72. 78 में से 72 को माइनस करेंगे. 78 में 72 को माइनस करा, कितना आया? 6. 6 आपका हम क्वेश्चन रफ कर देते हैं जिससे आपको सही साफ साफ दिखे बेटा. सिक्स हमने माइनस करके आया है. ये 6 हमने इसे ऊपर लिख दिया है. अब 6 और 9 क्या हो गया बेटा? 69. 6 और 9 कितना हो गया? 69. अब 69 को हम 9 की टेल में देखेंगे. 9 की टेल में 69 से कम क्या आता है? 9 7 जा 63. कितना आता है? 9 7 जा 63. अब 9 7 जा 63. अब 69 में से हम 63 माइनस करेंगे. 69 में से 63 माइनस किया, कितना आया? 63 के बाद से गिनती कितने गए? 63 के बाद 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69. कितना आ गए यहाँ तक? 1 2 3 4 5 6. 6 आ गया. अब 6 और 4 64. फिर से वही हो जाएगा. 9 7 जा 63. फिर से ये 64 बन गया, तो फिर से वही हो जाएगा. 9 7 जा 63. अब 64 में से हम 63 को माइनस करेंगे, कितना आया? 1. देन 1 इज आवर रिमाइंडर. और क्वेश्चन आपका हो गया 877 और रिमाइंडर आपका हो गया 1. ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं. 9684 को हमें 12 से डिवाइड करना है. ट्वेल्व की टेबल में 96 कब आता है? 12 8 जा 96. अब 96 में से 96 माइनस करेंगे तो 0 आएगा. ठीक है, तो मींस इस 8 के सामने कुछ नहीं लगेगा. अब 8 तो बेटा 12 की टर्म में आ नहीं सकता, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनिए. 0 लगा के 84 को रीड करेंगे. 12 की टर्म में 8 नहीं आता, तो हम क्या करेंगे? 0 लगा के 84 को रीड करेंगे. अब देखिए, आप जब आप डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं? 12 8 जा 96 किया आपने. अब 8 को ऊपर से उतारेंगे. 8 तो 12 की टर्म में आ नहीं रहा, तो आप क्या करेंगे? आप 0 लगा के 4 को उतारेंगे ना. आप 0 लगा के तभी तो 4 को उतारेंगे. हम ऊपर से दो नंबर नहीं उतार सकते ना, इसीलिए हमने 0 लगाया. और 0 लगा के हमने नेक्स्ट डिजिट उतार ली. ठीक है, तो ये 84 हो गया आपका. यही हमने यहाँ भी किया है. 8 12 की टेल में नहीं आ रहा था, तो हमने 0 लगा के 84 को ही ले लिया, जैसे यहाँ करा है. ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 12 7 जा 84. यहाँ भी यही हो जाएगा. 12 7 जा 84. 8 माइनस करेंगे तो 0 ही आएगा. ठीक है, 12 7 जा 84 हो गया, कंप्लीट हो गया ये.
को माइनस करेंगे कितना आएगा, जीरो। तो आपका रिमाइंडर हो गया जीरो, क्वोशेंट हो गया 807 और रिमाइंडर हो गया जीरो। आ रहे, देखिए बेटा ये लॉन्ग डिवाइड भी कर दिया मैंने आपको, शॉर्ट डिवाइड भी करा है। ध्यान से देखेंगे दो नंबर एक साथ अगर हम शुरू में तो ले लेते हैं, शुरू में तो हमने 96 ले लिया जैसे इसमें लिया, बाद में दो नंबर नहीं ले सकते, उसके लिए हमें जीरो लगाना पड़ेगा, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, अगेन बेटा हम क्वेश्चन रख कर देते हैं जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। ना बेटा हम 8 की टेबल में किसको देखेंगे, 20 को। बेटा 8 की टेबल में 20 से हम 20 तो नहीं आता, क्या आता है 8 2 16, 8 2 16, 20 में से हमने 16 माइनस किया, अब हम 20 में 16 माइनस करेंगे, 20 में से हमने 16 माइनस किया कितना आया 4। कर सकते हैं बेटा 16 के बाद से गिनती गिन लो, 20 में से 16 माइनस करना है, 16 माइनस करना है तो 16 के बाद से गिनती गिन लो, 17 18 19 20, 1 2 3 4, ठीक है। तो 4 आया, 4 कहां जाएगा 7 के ऊपर, ठीक है। अब 8 2 16, 20 में से 16 माइनस किया, 4 आया, 4 7 के ऊपर चला गया, अब 7 कितना बन गया, 7 कितना बना 47, 7 बेटा कितना बन गया 47। अब हम 8 की टेबल में 47 को देखें, तो 8 6 जा तो 48 होता है, तो क्या आएगा 8 5 जा 40, राइट 8 5 जा 40। अब 47 में से 40 को माइनस किया कितना आया 7, 8 5 जा 40, 47 में से 40 को माइनस किया आया आपका 7, 7 5 के ऊपर चिप गया है, अब 5 कितना बन गया 75, 5 कितना बन गया 75। अब 8 के टर्म में 75 को देखेंगे, तो 8 9 जा 75 कब आ रहा है, 8 9 जा 72 कितना आया, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72। अब 75 में से 72 को माइनस करेंगे, 75 में से हम 72 को माइनस करेंगे कितना आया बेटा 3, तो आगे कोई नंबर नहीं है, तो 3 क्या हो जाएगा हमारा रिमाइंडर। क्वेश्चन हो गया 259 और रिमाइंडर हो गया 3, ठीक है बच्चों। नाउ नेक्स्ट, तो क्वेश्चन बहुत इजी है, नेक्स्ट क्वेश्चन में तो 10 से ही डिवाइड करना है, तो 10 से डिवाइड करना तो आसान है, कुछ नहीं है, जीरो से आपका जीरो कट हो जाएगा, 1 से डिवाइड करके सेम आंसर आ जाएगा, 312 आपका क्वेश्चन हो जाएगा। टेन से हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, लास्ट का नंबर हमारा रिमाइंडर और बाकी क्वेश्चन, तो यही डायरेक्ट लिख देंगे आंसर हम, क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 312 और रिमाइंडर 0। एक 0 से डिवाइड करें तो एक नंबर रिमाइंडर हो गया, बाकी जो कुछ बच गया वो हमारा क्वोशेंट हो गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, इसमें बेटा 8 से करना है डिवाइड, 8 की टेबल में 76 से कम क्या आता है, 8 9 जा 72 आता है, 8 9 जा 72, 8 9 जा 72,
अब हम 76 में से 72 को माइनस करेंगे, 72 को हम 76 में से माइनस करेंगे, कितना आया 4 आपका यहां जाएगा, 8 9 72, 76 में से हमने 72 को माइनस किया, माइनस करके 4 आया, 4 आपका नेक्स्ट डिजिट के ऊपर गया। अब ये नेक्स्ट डिजिट क्या बन गई आपकी 44, क्या हो गई 44 को हम 8 की टेल में देखेंगे, 8 की टेल में 44 तो नहीं आता, क्या आता है 8 5 जा 40, 44 में से हमने 40 को माइनस किया, 44 में से 40 माइनस किया, कितना आया बेटा दोबारा से 4 आया माइनस करके, 4 यहां लिखते, बहुत ध्यान से सुनेंगे, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें, बहुत ध्यान से सुनेंगे आप, 8 5 जा 40 हो गया, ये नंबर है 44, 44 में से 40 को माइनस करना है, कितना आया माइनस करके, 44 में से 40 माइनस हो गया, 4 बच गया, 4 को अब नेक्स्ट नंबर के ऊपर लिख देंगे, अब नेक्स्ट नंबर क्या बन गया 42, क्या बन गया नेक्स्ट नंबर 42, 42 को फिर से हम 8 की टेबल में देखेंगे, तो फिर से वही आया 8 5 जा 40, अब 42 में से 40 को माइनस करेंगे, 42 में से 40 को माइनस करेंगे, कितना आया 2, तो 2 इज आर रिमाइंडर, ठीक है। अब
13 की डेल है 54। को देखेंगे कितना आ रहा है बेटा, 13 4 जा 52। ठीक है, 54 में से हम 52 को माइनस करेंगे तो कितना आया 2। 13 4 जा 52। 54 में से 52 माइनस किया, कितना आया 2। 2 ऊपर चला गया आपका, तो ये 8 कितना बन गया, 28। अब 28 को हम 13 के डेरिवेटिव में देखेंगे, 13 के डेरिवेटिव में नहीं आता, क्या आता है 13 2 जा 26। 13 2 जा 26। 28 में से 26 को माइनस किया, 2 आया, 13 2 जा 26। 28 में से हमने 26 को माइनस किया, कितना आया 2। 2 फिर इसके ऊपर लिखेंगे हम, तो ये क्या बन गया 26। 13 2 जा 26, कंप्लीट हो गया, ये रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, 26 आता है 13 की टेबल में तो रिमाइंडर 0 हो गया। ठीक है, अब 11 की टेबल में हम 70 को देखेंगे, 11 की टेबल में 70 से कम क्या आता है, 11 की टेबल में 70 से कम क्या आता है, 11 6 66। 70 में से 66 माइनस किया, 4 आया, 4 हम ऊपर लिख देंगे, ये कितना बन गया बेटा 44 आता है 11 की टेबल में, 11 4 जा 44। 8 के ऊपर लिखने के लिए कुछ नहीं है हमारे पास, क्योंकि 11 4 जा 44 हो गया, 11 4 जा 44 हो गया है, तो 8 के ऊपर कुछ नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, 11 6 जा 66 किया हमने यहाँ पे, अब 70 में से हमने 66 माइनस किया, 4 आया, 4 हम इसके ऊपर लिख देंगे, ये 44 बन गया। अब 11 4 जा 44 हो गया, अब 8 के ऊपर हमारे पास लिखने के लिए कुछ नहीं है, 0 है, तो 8 तो 11 की टेबल में आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे यहाँ 0 लिख देंगे और आपका रिमाइंडर 8 हो जाएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं इसको कि 11 0 जा 0, 8 में से 0 माइनस किया तो 8 इज योर रिमाइंडर। देखिए लॉग डिविजन से समझाती हूँ मैं आपको, अगर इसको हम लॉन्ग डिवीजन से करते, इलेवन सिक्स जा 66 होता बेटा, माइनस करा 4 आया, 44 हो गया, 11 4 जा 44, 0 आ गया, 8 उतारा। अब 8 डिवाइड नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं, 0 लगा देते हैं, यही करते हैं ना, ऊपर से हमने कॉपी किया, कॉपी करके इससे डिवाइड नहीं हो रहा तो हम क्या करते हैं, 0 लगा के खत्म कर देते हैं, वही हमने यहाँ पे किया। ठीक है, तो हमारा रिमाइंडर हो गया 8 और क्वेश्चन हो गया 640। क्यों क्यों 0 लगाना नहीं बोल रहा है। ठीक है, इजी है बेटा, ध्यान से सुनेंगे और करेंगे ये क्वेश्चन, देखने से पहले आप करके देख लो। इस क्वेश्चन को देखो, फिर ये अपने आप करने की कोशिश करो, फिर इसको देखो, फिर ये अपने आप करने की कोशिश करो, अपने आप नहीं हो रहा है तो फिर वीडियो ऑन करके देखो, फिर पॉज कर दो वीडियो, फिर इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करो, फिर देखो। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।